सर मुझे एक सिंपल सा मेरा एक सवाल था, डॉक्टर पवन शर्मा जब रिटायर हुए, जब 60 की एज क्रॉस की, तो 60 से 65 उनकी जो एज की गई प्रिंसिपल के लिए अप्रूवल, वो मीटिंग कब हुई थी गवर्निंग बॉडी की सर? वो जब 65 से 60 की गई है तो वो कब हुई थी मीटिंग? वो अभी मीटिंग तो हुई नहीं, सिर्फ एक ही मीटिंग हुई है, वो 2020 में हुई थी सर। आपकी जो ये अप्रूवल हुई है वो गवर्निंग बॉडी ने की है? हाँ जी, गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में ये हुआ है पास। ओके मैम, मैम वो मीटिंग हुई कब थी मैम? कुछ आपको मीटिंग शायद 29th को दिल्ली में हुई थी। 29th ऑफ दिस मार्च। मार्च, ओके। डॉक्टर आशीष कपूर जो गवर्निंग बॉडी डीएवी कॉलेज के मेंबर ने, ते डीएवी कॉलेज के नवे ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल प्रोफेसर रीटा जैन, दोनों के बयान कॉन्ट्राडिक्टरी ने, आपस मेल नहीं खाती। इन्हों का झूठ तो इतों ही पता लगता है कि जिड़ी गवर्निंग बॉडी की गल करते हैं उसके जनरल सैक्रटरी तो एक्स ऑफिशियो प्रिंसीपल खुद आप होंगे ने, कोई किमें लैटर इशू कर सकता है? कि अणगहलीकरण वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होएगी या फिर नहीं, इस समा दसेगा, पर एक गल पक्की है कि खबर का असर होया। जो कोई भी खबर की जाती है तो फिर खबर का असर होंगे तो खुशी भी होंगी है। तुम देख रहे हो द खबरसार, मैं हाँ थोड़े नाल ठाकुर अमनदीप सिंह। देश का भविख बना दा दम भरन वाले ही जदों नियमों छिके टंग के गैर कानूनी तरीके दे नाल कुर्सियां दे काबज होण तो सवाल उठने भी लाजमी ने, तो जदों अजिहे सवाल साडे वल्लों खबर दे रूप विच चुके गए तां फिर उसते असर होया तां चंगा भी लगता है। साढ़े नाल अज मौजूद ने डॉक्टर आर के सिंगला जी, गलबात करांगे। सर सब तो पहला थोड़ा बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर तुहानू याद होना है असीं कुछ क मुद्दे चुके ने जिन्हां विचों कई मुद्दियां ते असर भी होया है। हाल ही दे विच डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ के प्रिंसीपल साहिबान नूं बदलिया भी गया है, किवें देखदे हो? मन दिओ भी जित होई है, मामला निबड़ गया हुण? इस दे विच इत्थों तक तां समझ सकदे हां जित होई है कि आखिर एक गैर कानूनी काम ते रोक लगी ते प्रिंसीपलां नूं हटा दिता गया, पर कुछ सवाल हजे भी बाकी ने। सवाल ने कि ये जिहड़ा पीरियड सी रिटायरमेंट तो बाद तो लैके हुण तक दा, जिस दे विच डीएवी कॉलेज दे विच लगभग 6 महीने बनते हैं, तो देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन दे विच 4 महीने बनते हैं, इस पीरियड के दौरान जिहड़ा प्रिंसीपल ने प्रिंसीपलां ने गैर कानूनी कब्जा किया होया सी, इहदी तनखाह कित्थों आई, किने दित्ती, किमें दित्ती, कौन उहदे लई जिम्मेवार है? जे मन भी लै जावे कि इन्होंने बिना किसी सैलरी तो काम किया, तो भी सवाल पैदा होंदा है कि की गौरमेंट एडड प्राइवेटली मैनेज्ड कॉलेजों के विच उन्हां लोकां नूं कॉलेज चलाउण दित्ता जा सकदा है जो कानूनी तौर पर इस पोस्ट के हकदार नहीं है? खास करके इहदी जिम्मेवारी पंजाब यूनिवर्सिटी जिन्होंने एफिलिएशन दिती है अते डायरेक्टर हर एजुकेशन जिहड़े ग्रांट दे रहे ने उन्हां दी डेफिनेटली बनती है कि वह दसन कि इस पीरियड के दौरान बिना सैलरी तो काम किया गया या सैलरी नाल, ते जे सैलरी नाल तो उस पैसे का गवर्न कित्थों ते किवें होया? अगले कह सकते सैलरी लई नहीं, जे सैलरी नहीं भी बहुत लोग ने जिहड़े कहणगे कि सानू चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट दिओ, सानू कोई होर पोस्ट दिओ, असीं बिना सैलरी तो की जेब चो पैसे दे के काम करन तैयार है? किसी भी पोस्ट पर रहने का बकायदा कोई कायदे कानून ने, कोई एलिजिबिलिटी है, कोई उत्थे ज्वाइन करने का कोई तरीका है, रिटायरमेंट की कोई एज है? इस तरह के नहीं कि किसी भी कोई भी पद दिता जा सकता है, चाहे वह बिना सैलरी तो क्यों ना हो। जिम्मेदारी किसकी बनती है जे कोई कोताही हुई है इन्हां इस समय दौरान, जिम्मेदारी कि अधिकारी की तुम मनते हो कि बनती है? ये बेसिकली तिना की जिम्मेवारी बनती है। सब तो पहला है गवर्निंग बॉडी ऑफ द कॉलेज, गवर्निंग बॉडी कॉलेज की इंपलायर है जिहड़ी प्रिंसीपल नूं लाउंदी है अते प्रिंसीपल नूं रिटायर होने तो बाद हटा दिंदी है, रिलीव कर दिंदी है। सो सब तो पहली जिम्मेवारी कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की बनती है कि उन्होंने 60 साल पूरे होने तो बाद रिटायरमेंट एज तो बाद इन्हों क्यों नहीं हटाया। दूसरे पासे जिम्मेवारी बनती है पंजाब यूनिवर्सिटी की कि जदों रिटायरमेंट एज पंजाब यूनिवर्सिटी ने फिक्स की सी कैलेंडर दे मुताबिक 60 साल सी, तां पंजाब यूनिवर्सिटी ने देखना सी कि 60 साल पूरे होने तो बाद ये लोग किवें चलते रहे, तो जे उन्हां द्वारा इशू किए गए पत्रां दी इन्हां ने परवाही नहीं की तां नोटिस फॉर डिसअफिलिएशन है जो दिता जा सकता सी।
ताकि गैर कानूनी काम रोकया जा सके। सिर्फ पत्र इशू करके कुछ वक्त कटा देना तो इन गैर कानूनी कामों असिधे तरीके दे मंजूरी दे देना यह पंजाब यूनिवर्सिटी की जिम्मेवारी नहीं सी। सो पंजाब यूनिवर्सिटी भी इसलिए बकायदा जिम्मेवार है कि किमें होया। तो तीसरा है डायरेक्टर हायर एजुकेशन जिहड़े 95% ग्रांट देंगे ने कॉलेज में, जिहदे विच स्पष्ट लिखा है कि अगर कोई भी गैर कानूनी काम हुंदा या कानूनों की उलंघना होंदी है तो इन उसनू रोकया जाएगा, नहीं तो ग्रांट बंद करती जाएगी। सो बिना ग्रांट को बंद किए इस चीज़ को चलते रहन देना डायरेक्टर हायर एजुकेशन की भी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने साड़ी खबर के वर्जन देंदे ये भी गल कही थी भी कि ब्लैक एंड वाइट नहीं, हालांकि उस वेले तो उस तो बाद तुसी ब्लैक एंड वाइट दिखाया भी सी भी केड़ी किताब दे केड़े पेज ते की लिखा है। ऐसा नहीं कि इस तरह नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट के नहीं है, उन्होंने पता नहीं सी, उन्होंने बकायदा पता है कि ब्लैक एंड वाइट के है तो कार्रवाई करना बंद है। लेकिन यह कितने ना कि इन लोगों की मिली भुगत सी, डायरेक्टर हायर एजुकेशन का ऑफिस एक पासे तो गैर कानूनी ढंग चले हुए प्रिंसीपल दूसरे पासे, इन की मिली भुगत सी कि तुसी चलते रहो, असी सिर्फ कागजी कार्रवाई करते रहेंगे तो तुहाडा वक्त कढ़ावांगे ताकि अगर आने वाले टाइम किसी तरीके भी 60 तो 65 हो तुसी कुर्सी पर बने रह सको, नहीं तो 4 तो 6 महीने चुप बैठन का कोई जवाब ही नहीं बनता। बल्कि इन्होंने पिछे ये भी कहा सी कि कुछ डेलीवरेशनज डिस्कशन या इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है कि ये अज दस सकते हैं कि वह कि डिस्कशन सड़िया इंपॉर्टेंट मीटिंग सी जिदे नाल 4 या 6 महीने का वक्त जस्टिफाई किया जा सकता है। अगर नहीं कर सकते तो यदा मतलब इन्हों की मिली भुगत स्पष्ट है। सर ये तो ठीक है, पर जे असी ये जानना हो दर्शकों ये दसना हो भी आखिर डॉक्टर पवन शर्मा डी ए वी कॉलेज के पद तो या प्रिंसीपल की कुर्सी तो मैडम अग्निश ढिल्लों देव समाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन सैक्टर 36B चंडीगढ़ के प्रिंसीपल के कुर्सी तो किवें हटाया है, किनू पूछ सकते हैं? एक्चुअली ये जरा कुर्सी पर लाना तो कुर्सी पर हटाना ये इंपलायर का काम है, तो दोनों कॉलेजों के जो इंपलायर है वो इन कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी है। ये गवर्निंग बॉडी है जिदे 15 लोग ने, 15 के उपर वाले लोग तो एक्सैसीबल नहीं है, तुसी लास्ट टाइम भी ट्राई की सी, उन्होंने फोन नहीं चक्या, पर ये 2 टीचर रीप्रजेंटेटिव भी होंगे ने। तो मेरा ख्याल है सब तो आसान तरीका है कि जिस तरह DAV कॉलेज सैक्टर 10 है उतों की गवर्निंग बॉडी के मैंबरस में पूछा जाए कि यह 60 तो 65 किमें हुई तो बाद च 65 तो 60 किमें हुई, क्योंकि हर एक्शन सिर्फ गवर्निंग बॉडी ही कर सकती है, तो गवर्निंग बॉडी की हर मीटिंग हर फैसले च इन्हां लोगों की हाजिरी अते दस्तखत होने जरूरी ने, यह बेहतर दस सकते हैं। मतलब ये अपॉइंटमेंट जी हुण हुई भी है या डॉक्टर पवन शर्मा ने हटाया भी गया है तो बिना गवर्निंग बॉडी की मंजूरी तो नहीं हटाया हटाया जा सकता? बिल्कुल जी। सो इस करके इन्हों तो पूछा जाए। ठीक है, गवर्निंग बॉडी का सर ने जिक्र किया है तो असी गवर्निंग बॉडी के मैंबर DAV कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के जो एक मैंबर ने डॉक्टर आशीष कपूर जी उन्होंने नाल गलबात की है। सवाल साडा सीधा सी बई 60 तो 65 वाली जिहड़ी अप्रूवल सी वह गवर्निंग बॉडी की मीटिंग कदों हुई सी ते की तुहाडे भी साइन सी ते जिहड़ी हुण 65 तो 60 वापस की है जिस करके डॉक्टर पवन शर्मा नूं हटाया गया है वह मीटिंग कदों हुई सी गवर्निंग बॉडी की ते की तुहाडे भी साइन सी? डॉक्टर आशीष कपूर जी ने की कुछ कहा है तुसीं एक बार वह जरूर सुनो। डॉक्टर आशीष कपूर जी, आप गवर्निंग बॉडी DAV के आप मैंबर हैं? बिल्कुल सर, मैं टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जी सर, मुझे एक सिंपल सा मेरा एक सवाल था, डॉक्टर पवन शर्मा जब रिटायर हुए जब 60 की एज क्रॉस की तो 60 से 65 उनकी जो एज की गई प्रिंसिपल के लिए अप्रूवल वो मीटिंग कब हुई थी गवर्निंग बॉडी की? सर वो अब जब 65 से 60 की गई है तो वो कब हुई थी मीटिंग? सर देखो जी, दोनों में हमारी सर मैंने एक ही बात बोलता हूँ जी, जब मैं 2000 सर अब मेरा ये सेकेंड ईयर है, मैं थर्ड ईयर में 3 साल की इसकी टर्म होती है, तो वो अभी मीटिंग तो हुई नहीं, सिर्फ एक ही मीटिंग हुई है वो 2020 में हुई थी सर। तब तक तो उनकी एज थी ना, अभी फिर वो बिना अप्रूवल के चल रहे थे वो डॉक्टर पवन शर्मा? नहीं, वो मैनेजमेंट की लेटर आई होगी सर, मैंने मैनेजमेंट की लेटर नहीं देखी। तो वो कौन सी मैनेजमेंट है गवर्निंग बॉडी जिसकी जिसमें आप नहीं हो? नहीं सर, जैसे सर एक चीज बताऊं, जैसे आप हाँ वो कौन सी गवर्निंग बॉडी है जिसमें आप नहीं हो, जिसमें आपको साइन नहीं दिए गए? नहीं सर, मैं यही बता रहा हूँ सर, मीटिंग तो एक ही हुई है अभी रिटेन्योर में, अभी मैंने दूसरी मीटिंग के लिए लेटर लिखी है, वो थोड़े से हो जाएगी जो टाइम मतलब, मिलेगा मतलब डॉक्टर पवन शर्मा बिना किसी अप्रूवल के लगे हुए थे? नहीं, मेरी तो अप्रूवल नहीं थी, मैनेजमेंट से चिट्ठी आई तो मैं नहीं कह सकता, मैंने मैनेजमेंट जो प्रेसिडेंट है जो हमारे चेयरपर्सन है जी सर, अगर उनसे आई हो तो मैंने लेटर सर वो देखी नहीं है,
लेकिन हो सकता मतलब, आई होगी। मेरा 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 लास्ट सवाल सर, मतलब कि अगर आप आपने किसी भी अप्रूवल पे साइन नहीं किए, बाय रूल तो सर ये बनता है ना, भी सारे जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर है सबके साइन होने चाहिए। सर होना तो छह महीने में क्वार्टरली मीटिंग होनी चाहिए, बट जनरली दो तीन साल में एक बार होती है। जब हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। इसी डॉक्टर आशीष कपूर होना था पक्ष। इस तो अलावा असी गल की डीएवी कॉलेज गवर्निंग बॉडी के एक होर मैंबर साहिबान डॉक्टर सुतापा सरयाल जी के नाल। मैडम ने जो कुछ कहा है वह दर्शकों के सम्मुख रखने के काबिल ही नहीं, क्योंकि जो असी सवाल सीधा तो स्पष्ट पूछा, मैडम ने गोल गोल घुमा के इन्ना क उलझा दिता, तो अपने ही जवाबों के इन्ना क उलझ गए कि उन्होंने जवाब सूझा ही नहीं, या जवाब वह देना भी नहीं चाहते सी जान बुझ के। जदों तक हार के असी फोन कटिया, उस तो बाद मैडम दे ही नंबर तो उन्होंने हसबेंड ने साडे नाल गल की, तो सानू धमकी दी कि असी तुहाडे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करांगे, जिस उत्ते असी कहा भी तुसी जी सद के जो तुहानू ठीक लगता है करो। खैर डॉक्टर साहब, तुसी डॉक्टर आशीष कपूर होना का पक्ष भी सुने, तो तुसी डॉक्टर सुतापा सरयाल जी का पक्ष भी सुने, की कहोगे? दोनों पक्ष सुनने तो बाद मामला स्पष्ट है कि सब तो पहले तो जिहड़े डॉक्टर आशीष कपूर ने उन्होंने स्पष्ट कर दिता है कि गवर्निंग बॉडी की ना मीटिंग हुई है, ना वो प्रेजेंट सी, ते ना उन्होंने साइन की, बल्कि उन्होंने कोशिशा भी की कि मीटिंग होवे तां कि कानूनी ढंग दे नाल इह कारवाई हो सके, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं होया। जिहड़ा दूसरी मैं कॉल सुनी उहदे तो भी स्पष्ट है कि कम शायद कुछ अजिहे तरीके नाल होया कि उह स्पष्ट शब्दां च दसना नहीं चाहुंदे, इस करके वो गवर्निंग बॉडी बारे कुछ कहने की बजाय एग्जैक्टिव मैंबर एक होर बॉडी है, एक छोटी बॉडी है, एक बड़ी बॉडी है, तो उल्टे सीधे सवाल जवाब करके एक भंबल भूसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे सी, ताकि स्थिति स्पष्ट ना हो सके। जबकि स्थिति स्पष्ट है कि कॉलेज की एक गवर्निंग बॉडी है जिस दे विच 15 मैंबर होंगे ने, यह बॉडी पंजाब यूनिवर्सिटी के कैलेंडर के मुताबिक बनाई जाती है, इस दे विच बाकी 13 मैंबर के अलावा दो टीचर होंगे ने जो बकायदा टीचर्स इलैक्ट करते हैं, जिमें दो टीचर की असी गल की है, तो यही एक बॉडी है जिहड़ी प्रिंसीपल ते टीचर की नियुक्ति करती है, उन्हां दी सर्विस कंडीशन नू रेगुलेट करती है, उन्हां नू रिटायरमेंट एज ते रिटायर करती है। तो इस केस दे विच क्योंकि पिछले 2-2.5 सालों के गवर्निंग बॉडी की मीटिंग ही नहीं हुई, तो किसी के पार्टिसपेट करन दा ते साइन करन दा सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। हुण शायद तुसीं मेरे तो यह पुछो कि जे होई नहीं तो होया किवें। दिल्ली के एक बॉडी है डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी, एक प्राइवेट संस्था है जिसका कानूनी तौर पर कोई कॉलेज के इंटरफीरेंस या रोल नहीं होना चाहिए, डायरैक्टर हायर एजुकेशन इन्हों एक्सैप्ट नहीं करना चाहिए, पंजाब यूनिवर्सिटी इन्हों मंजूरी नहीं दिंदी है, इस दे बावजूद भी कॉलेज के जिन्ने काम हो रहे हैं इन्हों के सैल्फ स्टाइल्ड पत्र के आधार पर होंगे रहते हैं। हूँ भी मैं पूरा यकीन है कि उस मैनेजिंग कमेटी के किसी मैंबर ने कोई लैटर इशू करके इन्हों चलन दिता, इन्हों की सट तो पैंठ करती, इन्हों की पैंठ तो सट करती, यह सारा काम हुंदा रहा, जिन्हों का फैसला, जिन्हों के पत्र गवर्निंग बॉडी के फैसले या पत्र नहीं मने जाएंगे। तुसी होर भी देखो ना कि सट तो पैंठ तो मनिया गया, हुण तुसी पैंठ तो द्वारा करती किन्नी करती, जे तो सट की 6 अप्रैल तक किवें गए, तो जे 6 अप्रैल तक गया तो यदा मतलब रिटायरमेंट 60 तो पैंठ तो हुई सी, तो पैंठ तो 60 नहीं हुई, पैंठ तो 6 अप्रैल हुई है, ये तो घर का ही राज हो गया। फिर इस चीज़ को क्लीयर कर लें क्यों ना असी डीएवी कॉलेज के नवे जो ऑफिशियटिंग प्रिंसीपल ने उन्होंने गल करिए, प्रोफेसर रीटा जैन जी नवे ऑफिशियटिंग प्रिंसीपल लगे ने, साड़ी उन्होंने भी गलबात हुई है, उन्होंने की कुछ कहा है तुम वो भी एक बार जरूर सुनो। मैम सबसे पहले तो बहुत बधाई हो आपको, और मैम आपकी जो ये अप्रूवल हुई है वो गवर्निंग बॉडी ने की है? हाँ जी, गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में ये हुआ है पास। ओके मैम, मैम वो मीटिंग हुई कब थी मैम, कुछ आपको? मीटिंग शायद 29th को दिल्ली में हुई थी। 29th ऑफ दिस मार्च। मार्च, ओके। साइन किसने किया, इशू लेटर जो आपको लेटर इशू किया वो किसने इशू किया मैम, साइन किसने किया? वो तो हमारे दिल्ली से आया है ना। ओके मैम। हाँ जी, जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी। हाँ जी, जनरल सेक्रेटरी। उनका मैम नाम याद है आपको? मिस्टर्स वो बोलते हैं हम लोग उनको अजय, अजय बोलते हैं, उनका नेक्स्ट नेम है सूर्या। जनरल सेक्रेटरी हैं वो।
तो मैम मतलब ये समझा जाए कि रिटायरमेंट ये 60 मान ली है मैनेजमेंट ने। हाँ जी हाँ जी सो मैम आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। तैसे डीवी कॉलेज चंडीगढ़ दे ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल प्रोफेसर रीटा जैन होना दा पक्क। डॉक्टर साहब डॉक्टर आशीष कपूर जो गवर्निंग बॉडी डीएवी कॉलेज दे मेंबर ने ते डीएवी कॉलेज दे नवे ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल प्रोफेसर रीटा जैन दोनों दे बयान कॉन्ट्राडिक्टरी ने आपस मेल नहीं खाते। डॉक्टर आशीष कपूर कहते हैं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग ही नहीं हुई। मैडम कहते हैं गवर्निंग बॉडी ने जनरल सैकटरी साहब ने साइन करके लैटर इशू किया। असल दे विच जिहड़े डॉक्टर आशीष कपूर ने उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट करता कि जो मीटिंग ही नहीं हुई तो फैसले का सवाल ही पैदा नहीं होता। जिहड़े प्रिंसीपल ने इन्होंने स्पष्ट करने की बजाय कि जी ये कॉलेज कदे गवर्निंग बॉडी चलाई नहीं रहा एक सैल्फ स्टाइल्ड संस्था चला रही है तो उन्होंने ही मनमर्जी नाले सारे काम चल रहे हैं बजाय कि एक्सैप्ट करन दे बजाय कि मनन दे उन्होंने उसनू गवर्निंग बॉडी का ना देता। जिहड़ा उन्होंने कहा कि 29 मार्च में गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई तो बकायदा उत्थों के जनरल सैक्रटरी ने लैटर इशू किया। इन्हों का झूठ तो इतों ही पता लगता है कि जिहड़ी गवर्निंग बॉडी की गल करते हैं उस दे जनरल सैक्रटरी तो एक्स ऑफिशियो प्रिंसीपल खुद आप होंगे ने कोई किमें लैटर इशू कर सकता है। सर लेकिन फिर डॉक्टर आशीष कपूर मैंबर से उन्होंने तो कहते कोई इदा की मीटिंग ही नहीं हुई। जो उन्होंने मीटिंग नहीं हुई उन्होंने साइन नहीं हुए तो फिर 29 तरीक को कि मीटिंग हुई तो इन्हों कि लैटर हो इशू होया। इस तो पता लगता है कि गवर्निंग बॉडी की कोई मीटिंग नहीं हुई गवर्निंग बॉडी के मैंबर कितने प्रेजेंट नहीं उन्होंने साइन नहीं किए। इन्हों का सैल्फ स्टाइल्ड प्रोग्राम है जिदे मुताबिक एक लैटर इशू होया होगा। लेकिन वूमेन एम्पावरमेंट की गल की जा रही है कि भी कहा जा रहा है प्रोफेसर रीटा शर्मा उन्होंने प्रिंसीपल बनने के नाल इतिहास रचा गया। जितों तक संबंध है इतिहास रचे जाने की पहली गल तो कोई खास गल नहीं है एक प्रिंसीपल रिटायर होंदा तो दूसरा बन जाता है और जे बनन तो दूस पहले दे रिटायर होने दूजे दे मनन च गैप होवे तो एक तीसरे नूं चार्ज मिल जाता ऑफिशिएटिंग प्रिंसीपल का। सो इहदे च कोई इतिहास वाली गल नहीं। मैडम प्रिंसीपल नहीं ऑफिशिएटिंग प्रिंसीपल। हाँ ऑफिशिएटिंग ये ऑफिशिएटिंग नहीं इन्होंने कहा कि वूमेन एम्पावरमेंट वो तो मनते असी थोड़ी बहुत अगर एक वूमेन प्रिंसीपल बनते ये तो ऑफिशिएटिंग प्रिंसीपल ने पीएचडी इन्होंने मेरे हिसाब से की नहीं हुई। और जे पीएचडी नहीं की हुई तो प्रिंसीपल की रेगुलर पोस्ट के हकदार ही नहीं यानी कि प्रिंसीपल की पोस्ट लिए ना अप्लाई कर सकेंगे तो ना प्रिंसीपल बनेंगे। इस तरीके दे नाल वूमेन एम्पावरमेंट की तो गल ही नहीं हुई। फिर वो मनदीप जसन ने भी नहीं की हुई जी वो पीएचडी तो उन्होंने भी जवाब नहीं ना ना बीसी जसन को भी इसी डीवी कॉलेज पढ़ाई जाते हैं की मनी वूमेन एम्पावरमेंट मनी उन्होंने भी नहीं ले तो लैक्चरार ने लैक्चरार जो भी है उन्होंने को भी नहीं है लैक्चरार लग सकते हैं उसे। हाँ वो लैक्चरार लग सकते सी जे पीएचडी होंदे पर उन्होंने प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने डिग्री नकली है लैक्चर वो भी नहीं लग सकते। इसको भी हम वूमेन एम्पावरमेंट कहेंगे। हाँ असल दे विच ये अपने आप च एक मजाक है कि शर्मिंदा होने की बजाय अपने गैर कानूनी कामों तो उन्होंने वूमेन एम्पावरमेंट का ना देकर उन्होंने पर्दा पाया जा रहा है। खैर तुसीं हुण प्रोफेसर रीटा जैन की गल की है बई ये रेगूलर प्रिंसीपल दे लई एलिजिबल भी नहीं है क्योंकि पीएचडी शायद नहीं की मैम ने तुहाडे मुताबिक। सर लेकिन हवन भी करवाए जा रहे हैं हुण तक खुशी च जितों तक संबंध है हवन का पहली गल तो जिहड़ा डीएवी कॉलेज है मैं भी इत्थे कदे पढ़ाया इत्थे इहदा संबंध एजुकेशन नाल घट ते नॉन एजुकेशन नाल संबंधित एक्टिविटीज़ नाल ज़्यादा रहा। सो इस करके हवन करवाना कोई खास गल नहीं कि इतराज़ ना हो तुहाडी इस गल तो नहीं। दूसरा उस बारे मैं कहना चाहना जित तक संबंध हवन का यह तो फिर भी चलो एक शुद्धिकरण या पवित्रता दे नाल रिलेटेड एक्टिविटी है कोई इतराज़ नहीं हो सकता। यह तो कॉलेज वो भी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिड़ी बिल्कुल कमर्शलाइजेशन नाल कनैक्टड है जिमें उदाहरण के तौर पर दसदा 8 या 9 दिसंबर 2009 कॉलेज में मैरिज पैलेस के तब्दील कर दिता गया। गवर्निंग बॉडी के एक मैंबर मिस्टर एच आर गंधार के लड़के कपिल गंधार की शादी के लिए असी किवें मनीए ये तो सारे मीडिया छपया सी अखबारा आईया पूरा शोर शराबा होया कोई तस्वीर है तो हाँ जी तस्वीर है खबर है। अच्छा। बल्कि जी मैं ये भी दसना चाहना है कि जी पिछे जी डायरेक्टर हायर एजुकेशन ने कहा कि नंबर एक तो ब्लैक एंड वाइट कोई रूल नहीं कि असी एक्शन ले सकीए तो दूसरा साढ़े कोई रिकॉर्ड है नहीं कि कदे कोई घटना हुई हो। जदों यह मामला हाईलाइट होया कई पत्रकारों के कैमरे भी भन्ने गए अखबारों खबर आई उस टाइम डायरेक्टर हायर एजुकेशन के कोल काफ़ी कंप्लेटा आर टी एप्लीकेशन भी आईया पर शायद उदो किसी पता नहीं कि डायरेक्टर हायर एजुकेशन के ऑफिस के बैठे लोग इन्ने अन्ने ते बहरे होणगे कि इन्हां ते कोई कार्रवाई करन दी बजाए वो इस चीज़ का ढोंग रचन कि कोई रूल ही नहीं या कोई शिकायत ही नहीं आई। सारे गलबात करने बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब डॉक्टर आर के सिंगला जी। ये सवाल कई ने सवाल ये कि डॉक्टर पवन शर्मा जदों 60 साल के होए तो यूनिवर्सिटी वालों चिट्ठी कढ़ी गई
डॉक्टर एग्निस ढिल्लों जदों 60 साल दे होए तां उन्हां लई भी एक चिट्ठी कढ़ी गई, पर उस चिट्ठी दे निकलन दे बाद भी जे 6 महीने दे करीब डॉक्टर पवन शर्मा बतौर प्रिंसीपल सर्व करके गए DAV कॉलेज दे, ते करीब 4 महीने डॉक्टर एग्निस ढिल्लों सर्व करके गए उस चिट्ठी दे निकलन तो बाद भी, तां इह गलती किसती है? इसका दोषी आखिर कौन है? कि इन्होंने तनखाह ली या फिर नहीं ली? जे ली तां किहड़े खाते विचों ली? जेकर नहीं ली बिना तनखाह तो भी यह लगे रहे तो जवाबदेही किसती सी? हुण की पंजाब यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की जवाबदेही तो डायरैक्टर हायर एजुकेशन के दफ्तर की जवाबदेही तय की जाएगी? कि अणगहलीकरण वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होएगी या फिर नहीं? इस समा दसेगा, पर एक गल पक्की है कि खबर का असर होया। कैमरा पर्सन मनोज के नाल ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।